हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, पॉजिटिव होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, देखना कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है. और अगर आप लोगों ने सुपर डिटेल फ्यूचर स्पाउस रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें, और चैनल पर आपको मिल जाएगा. आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड किया था ये. ठीक है, चलो चार कार्ड आ गए हमारे पास, बहुत है. ये पर्सन ना अपने आप को लेकर के बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वेटिंग का है, फोर ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं किसी बहुत अच्छे काम का, या तो क्योंकि इनकी जो फाइनेंसेस जो चल रहे हैं ना, इनके वो फाइनेंसेस बहुत ही ज्यादा खराब है. देख रहे हैं आप, फाइव ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इनके फाइनेंसेस काफी ज्यादा बेकार चल रहे हैं, बकवास चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ नहीं है, दैट्स वाई इस तरीके की नेगेटिविटी इनकी जिंदगी में फैल रही है. ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, डेविल का भी कार्ड है. इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना कर्मा मिल रहा है, जो मैंने उनके साथ गलत किया वो अभी मेरे साथ गलत हो रहा है. ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं. अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा आगे. सन, वर्ल्ड, कार्मिकों में फंसे हुए हैं ये अपने. ठीक है, अपने कार्मिकों में फंसे हुए हैं, कर्मा से लड़ रहे हैं, कुछ अच्छा बिग करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज देयर ईगो. बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड. इनके मन में होप है अभी भी कि चीजें सही होंगी, बेहतर तरीके से बदलेंगी आगे चल करके, बट द थिंग इज कि अब इनको ना एक तरीके से होप की जरूरत है. होपलेस हो गए हैं. स्ट्रेंथ आज भी बाकी है इनके अंदर, बट द थिंग इज दिस कि होपलेस हो गए हैं. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, और अगर होता है तो वो किस तरीके से होगा. क्यों? क्योंकि इनके करियर के अंदर एकदम बैंड बजी हुई है. हो सकता है इनको किसी तरीके का कोई फाइनेंसेस में नुकसान चल रहा हो, या फिर इनका किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही हो इनके घर के अंदर. हो सकता है कि ये किसी तरीके से बीमार हो अपनी लाइफ में. ठीक है, बीमारी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द डेविल कार्ड एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड. तो ये पर्सन ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के भी काफी ज्यादा परेशान है, आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा मिस करते रहते हैं, चीजों को सही नहीं कर पा रहे, तो एक तरीके का गिल्ट भी क्रिएट करके बैठे हैं. बट शांत बैठे एकदम एम्परर की तरह, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे चल करके आपके साथ क्या हो सकता है. इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो ऐसा इसलिए शो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनसे किसी तरीके का कोई भी रिश्ता ना बांधो. समझ रहे हो, वो एनर्जीज है यहाँ पे. दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि ये पर्सन ना अपनी पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. ठीक है, पुरानी चीजें जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, उन सारी चीजों को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं. इनके दिमाग में चल रहा है एक तरीके का नेगेटिव सा एट्रीब्यूट कि कभी कुछ अच्छा हो भी सकता है मेरी लाइफ में या नहीं. ठीक है, और शायद मेरी ही कहीं ना कहीं गलती रही है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है. ठीक है, ऐसा भी सोच रहे हैं ये. कुल मिला के बोलूं 100 बातों की एक बात, तो ये बंदा ना हद परेशान है अपनी जिंदगी में, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ भी सही हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में. क्यों? क्योंकि मैं किसी का बुरा करके बैठा हुआ हूं और मुझे अपना कर्मा मिल रहा है. अपने कर्मों वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा ये जो है विश्वास करते हैं, मैं आपको बता दूं एक बार. ठीक है जी, अपने कर्म वर्म पे बहुत ही ज्यादा ये जो है विश्वास करते हैं. चलिए और कार्ड देखते हैं. और क्या सोच रहे हैं ये? सिक्स ऑफ कप्स इस रिलेशन को बहुत मिस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था. ओके, फिर आया हमारे पास फाइव ऑफ पेनिकल, लेकिन अपने करियर से परेशान है. लॉस हुआ इनको किसी चीज का, पैसे को लेकर के लॉस चला है इनको. नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, पैसे की आवक बहुत ज्यादा कम हो गई है, और इस सब का दोषी ये खुद को मान रहे हैं, और ये पर्सन आपको किसी तरीके का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं. एस ऑफ वॉन्स, लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और ये सही समय जब ही होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, जब इनके करियर के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट होगा.
ठीक है, तो अपने करियर से बहुत ज्यादा परेशान है, इनफैक्ट इनकी मतलब बैंड बजी हुई है अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्लियर तरीके से, ठीक है। ओके चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। और क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर के? मेच्योरिटी, इनको लग रहा है कि आप काफी ज्यादा मेच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, और इन फॉर फ्यूचर आप इनको माफ कर ही दोगे, ठीक है। इनके दिमाग में ये भी चल रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इन सारे झगड़ों को, इन सारे मसलों को खत्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि एक बार मेरा जो करियर है वो सेटल हो जाए, ठीक है, तब जाकर के मैं आगे बढ़ूं, कुछ अच्छा क्रिएट करूं। तो चलिए हम चेक इन करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं और कब तक लेने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें और मदद हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए गाइस। नेक्स्ट स्टेप, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना बहुत जल्दी हद वाला कंफ्यूज होने वाला है अपनी चीजों को लेकर के, और आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ये पर्सन आपके पास आगे बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी और कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कब तक बढ़ेंगे आगे, कब तक बढ़ने के चांसेस हैं। डेथ कार्ड, विद इन अ वन मंथ, विद इन अ वन मंथ ये पर्सन आपसे अपनी सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। एंड फॉर श्योर ये पर्सन अभी हद वाले नेगेटिव है और अपने करियर के अंदर भी कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। अब की बार अगर ये कॉल मैसेज करेंगे तो आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है जिसकी वजह से इतने परेशान रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू विल लाइक इट। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग विद योर फ्रेंड्स, एंड आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।